महज 4 घंटों में लूट की 3 वारदातों को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को इंदौर पुलिस ने चंद घंटों की मेहनत के बाद तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। रिटायर्ड जज जे एस सिंगर की बहू आराधना सिंह से पर्स लूटने की कोशिश करने वाले 2 स्कूटर सवार बदमाशों को लसुड़िया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने आराधना सहित शिक्षिका किरण देसाई और किराना व्यापारी कुलदीप गुप्ता की पत्नी मनीषा को लूटना कबूला है। आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। वहीं दोनों आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस को मिले हैं। फिलहाल इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लग चुकी है और अब ऐसे आरोपियों को पुलिस चिन्हित कर उन पर प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से अन्य मामलों में भी पूछताछ की जाएगी, जिससे और खुलासा होने की उम्मीद है। कल जो है 3 घटनाएं हुई थी इसमें इंदौर में। एक तो लसुड़िया थाना क्षेत्र में हुई थी, निपानिया के पास में वाइल साहब के पास, जिसमें कि एक लेडी है उनसे बैग छीनने की कोशिश की थी और उसके क्रम में वो इंजर्ड भी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका। अभी वो बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके बाद एक लेडी है उनका मोबाइल छीना गया था और इसके बाद जो है एमआईजी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला है उनका बैग छीनने का प्रयास किया था। और ये तीनों घटनाएं ऐसी थी कि एक सनसनीखेज टाइप की थी कि पूरा माहौल ख़राब किया था। इसके बाद पुलिस ने जो है तत्परता से इसमें कार्रवाई करी और पूरे जितने भी फुटेज थे पुलिस ने फुटेज निकाले सभी के और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया तीनों घटनाओं का जो अलग अलग टीमें काम कर रही थी। और एक कंसोलिडेटेड करके ये बात समझ में आई कि एक ही गैंग है, एक ही लड़के हैं जो कि इस तरह की वारदात कर रहे हैं और एक ही मतलब 2 ही लोग हैं जो कि तीनों घटनाओं में इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इनका पूरा फुटेज निकाला गया, एक जगह पर इनका क्लियर फुटेज मिले पुलिस को और उसके आधार पर इनकी तलाशी शुरू की गई तो ये जो है पकड़ में आए। और इनमें से एक हर्ष एक का नाम है और एक का राज नाम है। इन लड़कों ने जो है ये वारदात दी है, इनका दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है, ये कुछ समय जेल में भी रह के आए हैं और इनके पास से जो मोबाइल इन्होंने छीना था मोबाइल जो है पुलिस ने बरामद कर लिया है। और आज ही चूंकि इनको पकड़ा है तो ज़्यादा इनसे पूछताछ का समय नहीं मिल पाया तो हम लोग इनसे और डिटेल पूछताछ करेंगे। हो सकता है कि इसमें और भी जो घटनाएँ हैं वो घटनाएँ ये कबूल करें और भी घटनाएँ निकलें इनसे। हाँ, इसमें ये बात है कि ये जो है इन्होंने शराब पी थी, शराब के नशे में थे ये और नशे के दौरान इन्होंने ये घटनाएं की। आपराधिक रिकॉर्ड है इनका? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, 1 का 4 अपराध है। ये पहले भी जो है आबकारी में और जो है मोबाइल स्नैचिंग में ये बंद हो चुके हैं, कुछ समय जेल में भी रहे, इसके बाद जेल से छूट करके आए, फिर उन्होंने ये वारदात करी है। एक ये हम लोगों के लिए लर्निंग भी है क्योंकि इसके बाद इंट्रोगेशन में जो चीज़ें हमें पता चलेंगी इसमें जो एक इनका इस तरह के जो क्रिमिनल हैं उन पर हम लोग एक प्रभावी रणनीति बनाएंगे और बना करके कार्रवाई करेंगे। 2-3 महीने पहले विजयनगर में जो घटना हुई थी उसमें वो लेडी मर उनकी डेथ भी हो गई, इसी तरह की लूट घटना, उससे इनका कोई कनेक्शन? देखिए, वो घटना का इसमें जो है कोई स्पष्ट नहीं है, इसका इससे कोई अभी स्पष्ट कनेक्शन नहीं है। ये एक सेपरेट घटना है, ये लड़के हैं नशे की आदि हैं और इस तरह की घटनाओं में इन्होंने पहले मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं इन्होंने की हैं। इसके बाद जो है ये काफ़ी लंबे समय तक शांत रहे और उसके बाद कल जो है इन्होंने ये वारदात करी और वारदात करने के बाद ये पकड़े गए। वहीं पीड़ित परिवार को जैसे ही जानकारी लगी कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वैसे ही पीड़ित परिवार के लोग पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और पुलिस के इस सराहनीय काम की प्रशंसा की और धन्यवाद दिया। मिली है कि कम से कम आने वाले समय में जो घटनाएं हैं उसमें कुछ कमी आएगी और हमारी जो सिस्टम है, नई प्रणाली है, उसमें हमें लाभ मिलेगा। ये मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, पूरी पत्रकार टीम, पूरी पुलिस टीम, पूरी कमिश्नर प्रणाली, जो आगे जो है ये शुरुआत हमारी अच्छी हुई है कहना चाहिए। वहीं एक परिवार ने तो वीडियो कॉलिंग करके आरोपियों से माफी भी मंगवाई। दोनों आरोपी माफी मांगते नजर आए। सीधा खड़ा रहे, हाथ पीछे कर। देखा जी, बता देखा जी, इंदौर से एनके मीणा के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।